गाइस, गुड मॉर्निंग, आप सभी को हमारे चल पे स्वागत है। तो गाइस, सुबह की बज रही है 10 और गाइस आज क्या बताऊं, मैं मेरे पास कोई बात नहीं है बताने के लिए। आज भी वही करने जा रहे हैं जो डेली करते रहते हैं, पूजा। और अभी आप लोग को पता है कहाँ पे है, हम इधर देखिए। और अभी हम जा रहे हैं पूजा करने के लिए। और आप लोग सोच रहे ना कि मैं इधर क्या कर, मैं आया था इधर ना न्यू लोकेशन पे, कि मतलब इधर मैं पहली बार ना ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरा सारा ब्लॉग उधर से स्टार्ट हुआ है, तो सोचेंगे चलते हैं कुछ बैकग्राउंड में कुछ नया कर देते हैं। और धूप तो लग रही है, बट हमें तो आना ही पड़ेगा। अगर ऐसे डर के धूप से बचे रहेंगे ना तो मैं ब्लॉग भी नहीं शूट कर पाऊँगा। तो हमें धूप से डरना नहीं है, हमें बाहर निकलना है कितना भी तेज धूप हो। अभी आप लोग ना मेरे बैकग्राउंड में देखिए, बॉर्नविटा बिस्किट है वो, जो उसका ऐड करने के लिए यहाँ पे लगाया गया। और इधर लोग नहीं आते, बट पता नहीं इधर कैसे लग गया है। लगा हुआ नहीं है, पता है पेंट किया गया है, इसको बनाया गया है। हाँ, पेंट है, हमें लगा ना कि पोस्टर है। आज हो गया है हमसे ही लेट नहीं हुआ है। आज रात को ना पूजा होने वाला है घर पे, तो अभी सारे लोग ना लगे हुए हैं और थोड़ा नहाने में लेट हो गया है, क्योंकि बहुत सारा काम बचा हुआ था तो सारे लोग कर रहे हैं। उसमें ना संजना बाबू तीनों मिल के ना काम कर रहे हैं, वहाँ पे घर का साफ सफाई कर रहे हैं। चलिए हम भी निकलते हैं, अभी तो आप लोग से बात ही करना है, पहले पूजा कर लेते हैं। आई सभी ना, मन था थोड़ा मोहल्ले साइड जाने के लिए, कुछ काम था, मतलब जरूरी काम था। और जैसे ही बाहर निकले हैं, गए हैं रोड के पास, वैसे ही इतना तेज धूप लगा है ना, फिर बोले कि नहीं अभी नहीं चलते हैं, शाम को चलते हैं। और ऐसा लग रहा है पूरा स्किन जल जाएगा, अभी सिर्फ पसीना आना स्टार्ट हुआ है। ये देखिए, हम मतलब सोच रहे थे कि शाम को जाने के लिए, बट ऐसा लगा कि शाम को जाएंगे तो फिर थोड़ा काम नहीं हो पाएगा। सोचे कि अभी चलते हैं, बट अभी जाके देख रहे हैं तो धूप अपना। और अभी ना ये भी घर ना पूरा धिक्का हुआ है, क्योंकि ऊपर ना जो है ना लोहा करकाट है, और इसे काफी ज्यादा तेज आंच आ रही है मेरे को। तो अभी हम निकलते हैं, घर ही पे ठीक है, बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है बहुत ज्यादा। हवा चल रही है ना तो बहुत अच्छा लग रहा है। अगर धूप से बचना है तो हमें पूरे दिन भर घर में रहना पड़ेगा। और गाइस, ऐसे अगर धूप रहेगा तो हम ब्लॉग कैसे शूट करेंगे, क्योंकि हमें करना पड़ता है घर से बाहर, और घर पे तो हम कर नहीं सकते। कितना भी घर पे कोशिश कर ले, कितना भी ना नहीं कर पाएंगे, बट बाहर करते हुए आ रहे हैं, थोड़ा आदत भी बन गया है। और घर पे थोड़ा फैमिली भी है ना, उसके चलते हम घर पे ब्लॉग नहीं शूट कर पाते। पूरे दिन हल्ला रहता है, पूरे दिन सुबह से स्टार्ट होता है और रात को ना लगभग 11:30 बजे खत्म होता है, और उस टाइम पे हम तो सो जाते हैं 10 बजे। शाम को बज रही है 4:20 और अभी हम लोग निकल रहे हैं घर से बाहर। और गाइस, अभी पता है क्या हो रहा है, हम तो बस अभी आए हुए हैं, बट ये लोग ना बहुत देर से, और अभी इनका गाड़ी चल रहा है। संजना बैठी है और बाबू से मतलब धक्का लगा रही है, और धूप कतई जर लग रही है बहुत ज़्यादा ही। बट घर के पास ना बहुत सारे पेड़ है, तो थोड़ा वहाँ पे ना रास्ते में धूप नहीं आता है शाम को। हमारे घर पे धूप पता है कब लगती है, सुबह भी नहीं लगता है, दोपहर के ना मतलब 12 और लगभग 11 के और 2 के बीच में लगती है, बाकी ना पेड़ की वजह से धूप नहीं आ पाता है घर के पास। बट फिर भी ना गर्मी लग रही है, गर्मी तो लगेगी, मेरे को ही का पूरी दुनिया को गर्मी लग रही है।
गरम गरम साथ में हवा भी चल रही है, बट कभी कभी हवा भी ना तेज हो जाता है पता नहीं कैसे, और कभी हल्का भी नहीं चलता है। गाइस अभी हम आ गए इधर घूमने के लिए, और बाबू को ना छोड़ दिए घर पे क्योंकि वो ना खेल रहा है मजे में। और आप लोग को बताएं, अभी अंदर चलते ना तो आप लोग दिखाते हैं। मेरे को तो बहुत ज़्यादा डर लगता है, बट आप लोग को कोशिश करते हैं दिखाने के लिए। अभी एक मिनट इधर देखिए, अभी जो मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं ना, ये झाड़ियाँ ये पूरा ना अंदर तक ले बहुत ज़्यादा, अभी तो हम बाहर खड़े हैं इधर। और गाइस इधर ना बड़े बड़े सांप है, बहुत बड़े बड़े, एक दो बार ना हम देखे हैं, मतलब छोटे जब थे ना तो इधर आते थे हम लोग घूमने के लिए, वो सामने वाला पेड़ है ना उसमें बैठे रहते हैं। और हम ना जल्दी कभी जाते नहीं है उधर, कभी नहीं, उधर बहुत थोड़ा घना है ना, ज़्यादा पेड़ है उधर, इसलिए वो भी कांट वाले पेड़ है। और पहले ना ये सारा घर था, सारा घर था, बट अभी टूट गया, और घर भी टूट गया, और उसमें पेड़ वोड़ छोटे छोटे पौधे आ गए, बट सांप कहाँ से है ये हमें नहीं पता है। और इधर भी मच्छर ना ब्लैक वाले हैं, काटते हैं ना तो सूख जाता है पूरा जहाँ पे, और खेल रहे हैं उधर बट साउंड आ रहा है इधर, घर पे शोर चलते रहता है हर टाइम उनका। इधर से लगाई और पूरा बस ये छोटा सा रास्ता है, बाकी ना पूरा इधर पेड़ है, उस साइड में भी इस साइड में भी। अभी आप जो घर देख रहे हैं ना, और इसी में हम ना जाते हैं ब्लॉग शूट करने के लिए, और ये हम लोग का चारा वाला घर है। और उधर उस साइड भी मतलब पूरा वो अंदर तक ना घना है, वहाँ पे ना अंदर कभी नहीं गए, और ये ना रास्ता है जो हम लोग कभी कभी जाते हैं घूमने के लिए। और ये देखिए ये पूरा यहाँ से लगाइए और पूरा हमारे घर तक, और पूरा लास्ट तक पूरा यहाँ से ना जंगल है, और ऐसा लगता है ना कि हम लोग रियल वाले जंगल में आ गए। ये देखिए ये पूरा आप लोग को दिखा देता हूँ अच्छे से, बट अंदर नहीं जा रहा हूँ, बाहर खड़े हैं, मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगता है। यहाँ से हम लोग जाते हैं रेलवे साइड घूमने के लिए, ये वाला रास्ता है, उधर का जो घर है ना वहाँ से लोग आते हैं, बहुत कम आते हैं, बट अब दीवार के चलते ना, जो दीवार यहाँ पे खड़ा हो गया उसके वजह से नहीं आते हैं, मतलब पहले ना बहुत लोग आते थे इधर से